अनफुस्ट मेडिकल कॉलेज यानी AFMC क्या है, यही हम आज जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इंडिया का नंबर वन MBBS कॉलेज कौन सा है पता है? इंडिया का नंबर वन MBBS कॉलेज है एम्स दिल्ली। यहाँ से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को समाज में अलग ही इज्जत मिलता है। एम्स दिल्ली सिर्फ इंडिया का ही नहीं एशिया का नंबर वन मेडिकल कॉलेज है, और उसके बाद ही आता है AFMC पुणे। बट कुछ स्टूडेंट्स इस कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहते, तो इसके पीछे क्या रीजन है और इस कॉलेज में पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है, यही हम आज जानने वाले हैं। AFMC पुणे MBBS नर्सिंग, मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी जैसे कोर्सेज ऑफर करता है। मेनली AFMC अपने MBBS डिग्री के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अनफुस्ट मेडिकल कॉलेज में टोटल MBBS सीट्स हैं 150, जिसमें 115 फॉर बॉयज, 30 फॉर गर्ल्स और 5 दूसरे देश के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। टोटल 150 सीटों में 10 सीट SC एंड ST स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। AFMC में एडमिशन के लिए नीट में आउट ऑफ 720 30 प्लस स्कोर करना ही होगा। AFMC में कंप्लीट एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को नीट के बाद AFMC के एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में अपीयर होना है। इसके बाद एक फिजिकल टेस्ट होता है, जिसमें कि लॉकनी, आई, ईयर, हाइट, लंग्स, लिवर, ओवरवेट, अंडरवेट एंड प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, ये सभी चेक होता है। इसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, जिसमें कि आपका GK एंड प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी चेक किया जाता है, और इन सब में क्वालिफाई होने के बाद आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है एडमिशन प्रोसेस। इस कॉलेज में अराउंड 80,000 प्लस कोर्स फी है पूरे 5.5 ईयर्स के लिए, जो कि रिफंडेबल है। इसके अलावा आर्मी की तरफ से आपको फूड, हेयर कट, यूनिफॉर्म, साइकिल, हॉस्टल, ट्रेन टिकट, ये सब फ्री में मिलता है। बट AFMC में एडमिशन के लिए थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। कॉलेज के रूल्स के तहत एडमिशन के टाइम आपके पेरेंट्स को एक बॉन्ड पे साइन करना होता है। इस बॉन्ड के तहत अगर आप एडमिशन के 7 दिनों के अंदर अपना एडमिशन कैंसिल कर लेते हो तो फिर ठीक है, बट अगर आफ्टर 7 डेज आप एडमिशन कैंसिल करके कॉलेज छोड़ के चले जाते हो तो फिर एज ए पेनल्टी आपको कॉलेज को 60 लाख प्लस अमाउंट पे करना होगा। और दूसरा बॉन्ड है, आपका कोर्स खत्म होने के बाद आपको आर्मफोर्स्ट मेडिकल सर्विस में 7 सालों तक एज ए डॉक्टर सर्विस देना होगा। अगर किसी स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो फिर उसे मिनिमम 4 सालों तक AFMS में सर्विस देना होगा, उसके बाद ही वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी जॉब की बात करें तो इस कॉलेज से निकलने वाले स्टूडेंट्स को 100% गवर्नमेंट जॉब मिलता ही है। एज पर आर्मी रूल, आधे स्टूडेंट्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा अपने मेरिट के हिसाब से, और बाकी स्टूडेंट्स को परमानेंट कमीशन में सिलेक्ट किया जाएगा। शॉर्ट सर्विस में स्टूडेंट्स को मिनिमम 7 सालों तक AFMS में सर्विस देना है, और परमानेंट कमीशन में मिनिमम 20 सालों तक सर्विस देना है। जब आप अनफोर्स्ड मेडिकल सर्विस में इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करते हो तो फिर आपको कैडेट वाला पोस्ट मिलता है, और सैलरी 57,800 होता है। इसके एक साल बाद आप लेफ्टिनेंट बन जाते हो, देन सैलरी 63,100 हो जाता है। और हाँ, इसके साथ हर महीने आर्मी की तरफ से रहना, खाना और ट्रेवलिंग के लिए एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है। 7 पे कमीशन के तहत ये सैलरी हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहता है। ये रहा आर्मी का डिफरेंट पोस्टों के लिए सैलरी स्लिप। एंड एट लास्ट ऑल द बेस्ट। डिफरेंट नौकरियों के बारे में और डिटेल में जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना।